देश के युवा इंडी की कहानी है। इसका एक खुशहाल परिवार मनाते सब साथ हर तीज त्योहार, पर जब आती गिफ्ट देने की बारी हो जाती इंडी को टेंशन भारी। साल के 365 दिन में आती है ऐसी 50 डेट्स, केक फ्लावर्स के अलावा कुछ यूनिक का सब करते हैं वेट। कुछ अच्छा सा गिफ्ट चाहिए, ये है इंडी की नहीं हर घर की प्रॉब्लम, और हम लेकर आए हैं इसका सलूशन। नमस्कार शार्क्स, मैं हूं नितिन। मैं हूं दिव्या। हम हैं इंडी की कहानी के नरेटर्स और इंडी गिफ्ट्स के मेकर्स। हम लोग आए हैं जयपुर राजस्थान से। इंडी गिफ्ट्स न्यू एज इंडिया का गिफ्टिंग ब्रांड है, जहां हम बनाते हैं हर उपहार त्योहार और स्वैग और संस्कार के साथ। हम एक गिफ्टिंग कंपनी ही नहीं, आपके इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जरिया भी है। माँ की रसोई में अगर एक मम्मी द ढाबा किचन प्लेट दिखता है तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट अलग ही होती है। सीन राखी से उगे पौधे, बहन के प्यार से उगे से बहुत अच्छी मुस्कुराहट आती है। और अमन अगर नाराज है प्रिया तो सिर्फ फ्लावर्स नहीं, इंडी गिफ्ट्स की पत्नी चालीसा पढ़े और ये मंत्र याद रखे, इफ करना बटकर बीवी कहे जो झटकर। इसके बाद आपके सुखी जीवन की गारंटी हमारी। साल 2017 से जो हमारी जर्नी की शुरुआत जयपुर से हुई, अब वो देश के घर घर तक पहुंच रही है। अब तक हम लोग 20 लाख से ज्यादा चेहरों पर मुस्कुराहट ला चुके हैं। हम लोग सारे लीडिंग मार्केट प्लेसेस के साथ साथ अब अपनी वेबसाइट indigifts.in पर भी उपलब्ध हैं। हम इंडी गिफ्ट को एक ओमनी चैनल गिफ्टेक कंपनी के रूप में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इसके लिए हमारी आज के 50 लाख रुपीज फॉर 2% इक्विटी। क्या आप तैयार हैं? इंडी के साथ इंडिया का स्वैग और संस्कार हर घर तक पहुंचाने के लिए। क्या बात है? अमेजिंग। नितिन, दिव्या, आपका स्वागत है शार्क टैंक सीजन 3 में। आप दोनों आई थिंक कपल प्रोनोर हैं, मैरिड हैं। जी हाँ। तो बिजनेस के लिए किसने किसको पटाया एंड क्या स्टोरी है? मैंने बिजनेस थोड़ा बाद में ज्वाइन किया, बट डेफिनेटली जब शुरू हुआ था तब से हम साथ में हैं। शादी से पहले काफी गिफ्ट मिले हैं और उनसे उन्होंने पटाया, और शादी के बाद अब ये ऐसी पत्नी चालीसाएं बना रहे हैं। तो ये मतलब ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी नितिन बहुत अच्छे गिफ्ट्स देते थे आपको? आई हैव मोर देन 100 गिफ्ट्स ड्यूरिंग दैट स्पैन ऑफ 6 इयर्स। वाओ, ये बात एडिट करवा देते हैं। नहीं, एक बार और बोलिए इंडिया के हस्बैंड के लिए। ये बात एडिट हो जानी चाहिए, डिलीट कर दो, और ये बातें सबके सामने नहीं बोलते। सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ने डिजाइन किए। व्हाट? वेल डन। 100 गिफ्ट्स मतलब 16 एवरी ईयर। बड़े रोमांटिक हो यार। ये मैंने बनाया इसीलिए था क्योंकि आई फेल्ट फॉर हर, एंड हर चीज को मैं बिल्कुल स्पेशल तरीके से करना चाहता था। क्या पगले रुला के जाएगा क्या? आप प्लीज दिखा दीजिए ना अपने कुछ प्लीज। मैं लेके आता। पर आपके हिसाब से गैप है गिफ्टिंग मार्केट में बड़ा? हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में जिनमें एक स्टोरी टेलिंग हो, इट इज व्हाट इज मिसिंग। These are like mummy that have it is like one of the best. ये हमारा इफ करना बटकर, ये इसमें पत्नी चालीसा है। पत्नी चालीसा, ये आपका वैलेंटाइन गिफ्ट है? करवा चौथ वाले। ये करवा चौथ वाले पत्नी चालीसा उसके पीछे लिखी है। ओ, ये आपने लिखी है? पत्नी चालीसा उनके दुख दर्द से निकली है। अच्छा। ये होती क्या है जरा समझाएंगे? व्हाट इज सीड राखी? सीड राखी इज अ ट्रेडमार्क टू अस। राखी का मेजर प्रॉब्लम है कि जब हम राखी बांधते हैं उसके एक दिन के बाद ही हम उसे कहीं रख के भूल जाते हैं और वो डंप यार्ड में जाती है। उस प्रॉब्लम को हमने केटर किया कि इन राखियों में बीज लगे हैं। अच्छा। अगर आप इस राखी को गलती से भी कहीं गिर देते हैं या फिर किसी मीडियम में डाल देते हैं जमीन में, तो इनसे एक पौधा निकलेगा। ये सारा क्रिएटिविटी आपका है नितिन? So, I'm the creative person, मतलब ideation मैं देखता हूँ, execution दिव्या देखती है। तो आप sales आप देखते हो दिव्या? Business का overall structure, lead generation की हमें किस direction में काम करना, उस पर मैंने एक framework बनाया है, और दिव्या फिर उसका operational part देखती है, फिर हमारे strategic partners हैं, जो हमारे को उन चीजों में और help करते हैं। जैसे कि? जैसे e-trade या ये marketplaces है, तो इनके साथ में हम लोग अब उस level पे हैं कि हम लोग B2B tie-ups कर लेते हैं, तो
तो हम लोगों को प्रोडक्ट्स उनको देना है ट्रांसफर प्राइसिंग पे एंड देन दिस है बिजनेस पे चलते हैं तो हम लोग का अब तक लाइफ टाइम रेवेन्यू लगभग 45 करोड़ के आसपास का रहा है 45 करोड़ वाओ लाइफ टाइम रेवेन्यू का कोई मतलब नहीं है 2017 से अब तक का मैं बता रहा था लास्ट ईयर गिफ्टिंग बिजनेस में ये स्केल बनाना बहुत बड़ी बात है मेनी कांग्रेचुलेशंस आपने अपनी शादी भी करवा ली और अच्छा बिजनेस भी बनाया लास्ट ईयर कितना दिया है 7.4 करोड़ हम लोग का लास्ट ईयर का टर्नओवर है और पिछले महीने 76 लाख का हम लोग का अगस्त का टर्नओवर और दिस ईयर यू विल एंड 10 करोड़ की ट्रैजेक्टरी पे हम लोग काम कर रहे हैं वेरी नाइस पर सीजनल होगा लास्ट मंथ कुछ सीजन था कि फेस्टिवल राखी गया था ना गिफ्टिंग इंडस्ट्री जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बहुत बड़ी अनुमान है कुछ कितनी बड़ी है लगभग ये 2,50,000 करोड़ की इंडस्ट्री है तो 10 करोड़ तो इसमें एक बूंद भी नहीं हुआ और आप लगे हुए 5-6 साल से जी तो क्या बात है कि आप एकदम से निकल के तीर की तरह आगे नहीं बढ़ रहे एक मारवाड़ी माइंडसेट रहता है कि हमारा अपना एक पैसा बन रहा है लाइफ शांति से अच्छे से चल रही है लेकिन फिर कुछ चीजें हुई तो हमें रियलाइज हुआ कि जो भी हमने नॉलेज करी है या फिर जो पूरे प्रोडक्ट के प्रोसेसेस बनाए हैं जिन चीज़ों को हम बना चुके हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल में जाने की जरूरत है एक बात बताइए प्रॉफिट है आपका बिजनेस में प्रॉफिट है प्रॉफिटेबल बिजनेस ही हमने हमें हमेशा से रन किया है लास्ट ईयर का हमारा 7.5% EBITDA था और 5% नेट प्रॉफिट रहा है इस बार मैंने क्लियरली अपना एक मार्केशन सेट कर रहा है कि 10% EBITDA से कम में मैं कोई काम ही नहीं करूंगा तो 1 करोड़ रुपया निकाल लोगे आप इस साल हाँ सर जैसे ज़ारा को हर महीने नए डिजाइन निकालने होते हैं कपड़े को आपको भी बहुत जितनी पेस से आप क्रिएटिविटी करेंगे जी उतनी पेस से ही बिजनेस बढ़ेगा पर आपको इसको एक मशीन की तरह चलाना पड़ेगा एज अ साइंस नॉट कि आपको लगना पड़ रहा है आपके पास एक टीम होनी चाहिए जिसको एक सर्टेन नंबर ऑफ आइडियाज ग्रेट आइडियाज रोज निकालने पड़ेंगे जैसे मूवी बिजनेस है ना दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट हम लोग इस इंडस्ट्री में हैं तो हमने काफी सारे प्रोसेसेस को सेट किया है एक तो हम लोग का जो जयपुर में हेड ऑफिस है तो 14,000 स्क्वायर फीट में हमने एक पूरा ऑफिस बनाया है जिसमें कम से कम भी लगभग 1,000 स्क्वायर फीट केवल R&D को डेडिकेटेड है तो वहाँ पे हम लोग अलग अलग फॉर्म्स ग्राफिक्स और उसकी यूटिलिटी पे रिसर्च करते हैं और एक एनालिटिक्स की टीम है जो इमोशंस के ऊपर और ओकेजंस के ऊपर रिसर्च करके हमको ट्रेंड्स फॉरकास्ट देती है जिसके बेसिस पे डिजाइन टीम काम करती है और दूसरी चीज जो हमारा बिजनेस मॉडल है उसको हमने एक फनल की तरीके से अब डेवलप कर लिया है जो सबसे पहली चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडी टू बाय यानी क्रिएशन कैटेगरी जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो रेडी टू बाय कैटेगरी में और प्राइमरली हम उनको मार्केट प्लेसेस पे या जहाँ से भी लोग डायरेक्टली खरीद सकते हैं वहाँ से बेचते हैं जो लेवल 2 है जो सबसे क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अब अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है क्यूरेशन एंड कस्टमाइजेशन इस पर्टिकुलर पीस को ही हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लाके वहाँ से ज़्यादा केटर करना चाहते हैं और ये हमें अलाउ करता है कि हम लोग अपने ब्रांड के साथ में दूसरे और ब्रांड्स को भी कोलैबोरेट कर सकते हैं आज अगर हम राखी की बात करें राखी हमने बनाई है लेकिन राखी के साथ में चाहे स्वीट्स है चाहे चॉकलेट्स है या ड्राई फ्रूट्स है उनको हम लोग अपने पैकेज में ला सकते हैं एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हैं आज के दिन में आपके पास टोटल कितने SKUs हैं 5,000 के आसपास में हमारे भी एक्टिव प्रोडक्ट्स हैं ऑनलाइन कितना बिकता है और ऑफलाइन कितना बिकता है आपका ऑफलाइन अभी हम लोग इस क्वार्टर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं अब तक हम ऑफलाइन नहीं सेल कर रहे थे हमने बट अलग अलग जगह चीजें टेस्ट करके देखी है ऑनलाइन के अंदर में कौन से चैनल सबसे ज्यादा है आपके 60-70% सेल Amazon और Flipkart क्या रेटिंग है आपकी Amazon और Flipkart में एवरेज Amazon और Flipkart पे हम लोग के 3.5 लाख से ज्यादा रिव्यूज हैं और 4.5 out of 5 रेटिंग ओनरशिप आप लोगों का कैप टेबल कैसा आज के दिन में तो इट्स अ बूटस्ट्रैप बिजनेस मैं और दिव्या 100% इक्विटी होल्डर हैं यार इस बिजनेस में इन्वेस्टर क्यों चाहिए इन्वेस्टर के झकझक पता है कहीं आपको गलत इन्वेस्टर मिल गया तो आपको पता है आपकी क्या हालत होगी तो आप क्यों इन्वेस्टमेंट वगैरह ले रहे हो पहली बात है कि 5 साल के अंदर हम लोग 0 to 10 तक पहुंचे अगर हमें अब 10 to 100 पहुंचना है तो उसके लिए मैं अनादर 10 साल या 15 साल नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूं क्योंकि हमारे प्रोसेसेस प्रोडक्ट हमारे 4P सॉर्टेड हैं दूसरी चीज कि हम जब अपने आप को ओमनी चैनल एक्सपैंड करना चाहते हैं डिस्पाइट वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा R&D वेरी क्रिएटिव एंड यूनिक प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी लेयर मिसिंग है इस पूरी चीज के अंदर और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम कस्टमाइजेशन वाली चीजें करना चाहते हैं तो वो मैनुअली पॉसिबल नहीं है उसके लिए हमको ऑटोमेटेड चीजें लानी पड़ेगी और प्राइसिंग का अंदाजा देंगे जैसे समोसा कितने का होगा तो हमारे जो एवरेज कुशन 12x12 इंच के आसपास के आते हैं तो 299 के आसपास में उनका कॉस्ट रहता है
मर्चेंडाइजिंग से बिजनेस बढ़ेगा कि ब्रांड से? मतलब इज इट लाइक इंडी गिफ्ट के नाम से लोग आके सर्च करेंगे? गिफ्टिंग ब्रांड ही बनाना है. अगर हमें जॉब वर्क करना होता तो हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस कंपनी. कितना है 75% ग्रॉस मार्जिन पे हम काम करते हैं, जिसको हम लोग 80% तक लेके जा सकते हैं. 99 पे जो बेचते हैं उस पे आपका 70% ग्रॉस मार्जिन है. हाँ, मतलब हमने फॉर्मूला ही बना लिया है कि इससे कम के अंदर हम काम ही नहीं करते. मैंने डिसीजन बना लिया. आई थिंक यू गाइस आर ग्रेट फाउंडर्स फॉर श्योर. 10 करोड़ का बिजनेस विदाउट एनी फंडिंग, क्रिएटिविटी इज वेरी हाई एंड ह्यूमिलिटी इज आल्सो वेरी हाई. इट इज अ वेरी एग्जीक्यूशन हैवी बिजनेस. अगर बड़ा बनाना है, कॉम्पिटिशन इज हाई. आज मैं इससे बाहर हूँ, अभी आप थोड़ी सी टीम ही बना लो, थोड़ा फंड रेज कर लो, देन वी शुड मीट अगेन. बट बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू पीयूष. बहुत कंपेटिटिव मार्केट है एंड इसमें मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स तो कमोडिटी की तरह बिकती है. इसमें ब्रांड की तरह से बिकते हुए देखा नहीं है. ये कमोडिटी की तरह को ब्रांड हमने बनाया. मैं उससे पहले राखी का कोई ब्रांड ही एग्जिस्ट नहीं करता. एब्सोल्युटली अग्री. एंड इसीलिए मैं आपको एक ऑफर देती हूँ. अरे क्या बात. 25 लाख रुपए इन इक्विटी फॉर 2% प्लस 25 लाख इन डेट जो एट 12% फॉर अ 3-year tenure. Valuation is based on the fact कि इस business में funding raise करना बहुत मुश्किल है and risk बहुत high है. उसका premium मैंने valuation में लगाया. We would like to hear from Adhis as well. मैंने ना यहाँ पे ना आपके लिए offer बनाया था, but वो offer ना इससे खराब है. तुम इन्हीं के offer पे आप जाओ, क्योंकि मैं वो लड़ाई और match पे जाना नहीं चाहता. Thank you for making me and millions of people like me look like an idiot by giving 100 gifts to your wife. मैं ये गारंटी करता हूँ कि हमारी कंपनी और मैं खुद गिफ्ट्स आपके यहाँ से जरूर लेंगे. Thank you. All the best. I'm out. Okay. Fascinating story है आपकी. आपने बहुत बढ़िया बिजनेस बनाया है. छोटे शहरों से बड़ी गिफ्टिंग बिजनेस बनने का मुझे लगता है बड़ा अपॉर्चुनिटी है जी. क्योंकि आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि लार्ज मासेस का क्या एक्सपेक्टेशन है. तो मैं पूछना चाहूंगा विनीता को कि विनीता अगर हम साथ करना चाहें, मैं ये डील को आपके साथ आधे पे स्प्लिट करने को तैयार हूँ. तो डेट हटा देंगे एंड जॉइंट डील दे देते हैं. बिल्कुल, वी कैन डू इक्विटी. 25 लाख 2-2% हम दोनों, बिकॉज ऑब्वियसली हमें इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए 2% भी नहीं ओनरशिप होगी तो वर्थ वाइल नहीं. नितिन, दिव्या, I love you guys here. कभी कभी लोगों से मिलके बस दिल खुश हो जाता. तो you bring that. Thank you. है ना? लेकिन एक मैं चीज आपको बताता हूँ गिफ्टिंग इंडस्ट्री के बारे में. गिफ्टिंग इंडस्ट्री में 2-3 प्लेयर्स नहीं. एवरी कंपनी इज अ गिफ्टिंग बिजनेस. टाइटन हो या बोट हो या लेंसकार्ट हो या शुगर हो या बीकानेर वाला हो या होटल्स हो कैडबरी हो. शादी भी वाउचर्स लोग देते हैं फॉर शादी .com इज राइट. तो यू आर नॉट कम्पीटिंग विद 2-3 प्लेयर्स. सीजन आने पे आप सबके साथ कम्पीट कर रहे हो. तो मुझे ये लगता है कि ये एक स्केल तक बिजनेस अच्छा बन सकता है, कैश प्रॉफिट बन सकता है. एंड यू नो यू गाइस शुड बूटस्ट्रैप एंड ग्रो इट अप टू अ सर्टेन लेवल एंड एंजॉय दैट कैश. लेकिन आपको फिर भी लगता है कि आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत है. सो दिस इज अ ग्रेट ऑफर, यू शुड टेक इट. फॉर दैट रीजन आई एम आउट. गुड लक वंस अगेन. लव यू गाइस. तो प्लीज जल्दी बताइए. हमारा आपको एक काउंटर ऑफर है. हम लोग नहीं दो दीजिए भी. सच्ची बहुत रिच वैल्यूएशन है. बूटस्ट्रैप्ड कंपनी है, फर्स्ट फंडिंग है. हाँ या ना? मैं बोल रही हूँ हाँ बोल दीजिए. यू विल नॉट रिग्रेट. शार्क्स डील पक्की. वेरी नाइस. यार मैं ये ले जा रहा हूँ पत्नी 40 सा, आज जाके पत्नी को दे दूंगा. पीयूष तेरे लिए ये लाया है. चलिए गाइस बाय. बाय. थैंक यू.